सबसे ज्यादा प्यारी, सबसे ज्यादा मुस्तासन, सबसे ज्यादा काबिले तारीफ आवाज उस बुलाने वाले की है जो अपने रब की तरफ बुलाए। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी मुकर्रर फरमा दी। पहली शर्त यह रखी कि वो बुलाने वाला अपने रब की तरफ बुला रहा हो और अमेला सवालहन, उसका अमल उसके कौल की पूरी तरह तस्दीक करता हो कि वो अपने रब ही की तरफ बुला रहा है, अपनी नफसानी ख्वाहिशों की तरफ या शैतानी ख्यालात की तरफ नहीं बुला रहा। और अमल सौले उसके कौल को हसीन बना रहा हो, क्योंकि कौल का हुस्न अमल के काबिले नफरत होने के साथ जायल हो जाया करता है। बुलाने वाला खा कितने ही खूबसूरत मकसूद और मतलूब की तरफ बुलाए, अगर उसका अमल मकरूह हो तो उसके कौल का हुस्न भी जाता रहता है। बस अल्लाह ताला ने अमल सालेह की शर्त साथ लगाई और इसके साथ एक और शर्त को भी जायद फरमाया, वकाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, साथ फिर ये दावा भी करे कि मैं मुसलमानों में से हूं। क्योंकि अगर खुदा की तरफ बुलाने वाला हो और अमल सवाले भी बजाहिर रखता हो, अगर वो साथ ही इस्लाम की दावत भी नहीं देता और खुद को मुसलमानों में से करार नहीं देता, तो ये तीसरी शर्त बातिल हो जाएगी और कौल हसन को भी साथ ही बातिल कर देगी। तो हर वो शख्स जिसे अल्लाह ताला की नज़र में हसीन दाई का किरदार अदा करना है, और वो शख्स जो ये चाहता है कि जब मैं बुलाऊं तो खुदा की प्यार की नजरें मुझ पर पड़ें और मेरा कौल हसीन हो जाए,
उसके लिए कुरान करीम की तालीम के मुताबिक ये तीन शर्तें लाजिम हैं। बुलाए अपने रब की तरफ, अपनी ख्वाहिशात की तरफ ना बुलाए, अपने जाती मकासिद की तरफ ना बुलाए, और खुदा के नाम पर बुलाकर पसे पर्दा कुछ और मकासिद न रखता हो, खालिसतन अल्लाह के लिए बुला रहा हो। मसलन अगर जमात अहमदिया खुदा की तरफ किसी जगह बुला रही है और मकसद ये है कि हमारी तादाद बढ़ जाए और हम दुनियावी गलबा हासिल कर लें, तो ये अल्लाह की तरफ बुलाना नहीं रहेगा। महज अल्लाह रखा, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई मकसूद भी उसमें शामिल होकर तुम्हारे दावे को गंदा ना कर रहा हो, ना जात का मकसूद, ना जमात का मकसूद, ना किसी और इलाह का मकसूद, ना किसी ख्वाहिश का मकसूद, खालिसतन अल्लाह की तरफ बुला रहे हो। और अमल सालेह इस बात की तस्दीक करे कि हां अपने रब ही की तरफ बुलाते हो। अमल सालेह क्या है, इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने रब की तरफ बुलाने वालों के साथ एक सौदे का ऐलान फरमाया है, और अमल सालेह का इस निस्बत के साथ खुलासा उस सौदे के बयान किस्म के अंदर पेश फरमा दिया गया। फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अन्फुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नत, कि वो लोग जो मेरे हो गए, जो मेरी तरफ बुलाने वाले लोग हैं, जो खालिसतन मुझसे एक सौदा कर चुके हैं, उनका सौदा ये है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना व अन्फुसहुम व अमवालहुम, खुदा ने उनसे उनके नफूस भी खरीद लिए हैं और उनके अम्वाल भी खरीद लिए हैं। बेअन्ना लहुमुल जन्ना, और इसके बदले में अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। इस आयत की मुख्तलिफ तफसीरात की जा सकती हैं, मुख्तलिफ तौजीहात पेश की जा सकती हैं, कई इसके बतन हैं, लेकिन इस मौके पर मैं खुसूसियत के साथ इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए यह आयत पढ़ रहा हूं कि नफूस और अम्वाल दोनों इस सौदे का लाजमी हिस्सा हैं। ना महज नफूस इस सौदे की शर्त को पूरा करेंगे, ना महज अम्वाल इस सौदे की शर्त को पूरा करेंगे। बस ऐसे लोग जो अमल साले के दावेदार हों, अगर इन दोनों चीजों में से एक में भी कमी आ गई तो उनके अमल साले में नक्स पड़ जाएगा, और उसी निस्बत से उनकी दावत इल्लाह में नक्स पड़ जाएगा। जहां तक माली कुर्बानी का ताल्लुक है, अल्लाह ताला के फजल के साथ जमात तमाम दुनिया की जमातों में, का वो किसी मजहब से ताल्लुक रखती हों या किसी सियासत से ताल्लुक रखती हों, एक नुमाया इम्तियाज के साथ पेश पेश है। जहां तक नफूस की कुर्बानी का ताल्लुक है, बिलाशुबा इस पहलू से भी जमात तमाम दुनिया की हर दूसरी जमात से आगे है, लेकिन उन जमातों के कुर्बानी के मेयार भी तो मुख्तलिफ हैं। हमारी कुर्बानी के मेयार उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ और बुलंदतर हैं, और इतना बुलंद हैं कि उनकी कुर्बानी के मेयार के मुकाबले पर हमारी कुर्बानी के मेयार को वही निस्बत है जो जमीन को आसमान से हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर मोमिन से सौदा किया है। एक जमात के चंद नफूस पर राजी नहीं होता, चंद बुलाने वालों पर राजी नहीं है, बल्कि मुसलमान की तारीख में यह दाखिल फरमा दिया कि लाजिमन अगर तुम मुस्लिम हो तुम्हें खुदा की तरफ बुलाना पड़ेगा, अगर तुम खुदा की तरफ बुलाने वाले हो तो तुम्हें अपने इस्लाम का ऐलान करना पड़ेगा, और अपने इस्लाम को छुपाने की इजाजत नहीं दी जाएगी तुम्हें। अगर इस्लाम को छुपाकर खुदा की तरफ बुलाओगे तो खुदा के नजदीक ये कौले हसन नहीं रहेगा। बस इस्लाम का कुर्बानी का मयार तो इतना बुलंद और इतना वसी है कि एक फर्द बशर भी जो अपने आप को उन लोगों में दाखिल करना चाहे जिनका कौल खुदा के नजदीक हसीन हो जाया करता है, वो कुर्बानी के दोनों मयार पर लाजमन पूरा आना चाहिए। यानी उसका अमल हसन, अमल सौले
माली कुर्बानी के लिहाज से भी अमले सवाले हो और नफ्स की कुर्बानी के लिहाज से भी अमले सवाले हो। बस साबित हुआ कि हर मुसलमान के लिए नफ्स की कुर्बानी लाजमी है और दावत इल्लाह लाजमी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर इंसान अपने दूसरे कामों में मशगूल, अपनी जिंदगी की बका की जिद्दोजहद में मुबतला, किस तरह सारा नफ्स खुदा के हजूर पेश कर सकता है। तो उसके लिए कुरान करीम ने मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ किस्म के गुरुओं का जिक्र फरमाया है। कुछ साबिकून हैं, कुछ दरमियाने दर्जे के लोग हैं, कुछ निस्बतन पीछे रहने वाले लोग हैं, कुछ तेज कदमों से चलने वाले लोग हैं, कुछ निस्बतन आहिस्ता चलने वाले लोग हैं। हर किस्म के इंसान का जिक्र और हर किस्म की नफूस की कुर्बानी का जिक्र कुरान करीम ने मुख्तलिफ जगह बयान फरमा दिया है। लेकिन लाजमन हर नफ्स को कुर्बानी किसी न किसी रंग में बहरहाल पेश करनी होगी। दावत इल्लाह, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सारा नफ्स जमात के सामने पेश करके दावत इल्लाह करते हैं और अपने वक्त का कुछ भी नहीं रहने देते। वो कहते हैं हमारा जो कुछ भी है, हमारा लम्हा लम्हा दीन के लिए कुर्बान हो गया, अब हमें जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो, जिस तरह चाहो हमसे खिदमतें लो या ना लो, हमारा कुछ नहीं रहा। कुछ ये लोग भी हैं जो इस दावे पर पूरे उतरते हैं कि उन्होंने अमले सवाले के साथ अपने दावे की तस्दीक कर दी, और कुछ वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ वक्त दे सकते हैं। दुनिया के धंधों में लाजमन कौम ने मुबतला होना है, इज्तमाई जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लाजमन दुनिया को कमाना होगा, लेकिन मकसूद उनका खिदमत दीन होती है। चुनाचे जो अम्बाल बड़ी मेहनत के साथ कमाते हैं और खुदा के हजूर पेश कर देते हैं तो अपने दावे को सच्चा साबित कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि नफूस भी मेरे हजूर पेश करने जरूरी हैं, बल्कि नफूस का पहले जिक्र फरमाता है। इसलिए हर वो अहमदी जो माली कुर्बानी तो कर रहा है लेकिन वक्त की कुर्बानी पेश नहीं कर रहा, वो कुरान करीम की इस आयत की रूह से एक लंगड़ा मुसलमान है। उसकी दो टांगों में से एक टांग नहीं है, और लंगड़ा होने के नतीजे में इंसान अपनी इज्तमाई कुव्वत के सौवें हिस्से के काबिल भी नहीं रहा करता। यानी सिर्फ दो टांगों में से एक कटने के नतीजे में उसकी कुव्वत आधी नहीं हो जाती, बल्कि बाज़ औक़ात सौवां हिस्सा भी नहीं रहती। इसलिए एक बहुत ही बड़ा नक्स है ये, एक मुसलमान दावेदार आधा मुसलमान रह जाए। अगर पहले जरूरत थी कि नफूस की कुर्बानी में जमात बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े, तो आज उससे भी ज्यादा जरूरत है। अमरे वाकया यह है कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में हमारे जितने मुबल्लिग अमलन मैदान में काम कर रहे थे, आज उनका सवा हिस्सा भी नहीं कर रहे, जबकि जरूरतें फैल चुकी हैं और हमारे कॉन्टेक्ट पॉइंट्स बहुत बढ़ गए हैं। उस जमाने में हिंदुस्तान एक मुकाम, एक जगह थी जहां जमात का ज्यादातर राबता और वास्ता इस्लाम के दुश्मनों के साथ था। अब तो दुनिया के किसी मुल्क में भी, शायद ही चंद गिनती के मुल्क होंगे, ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी जहां जमात का राबता किसी न किसी रंग में रहा ना हो या इस वक्त मौजूद ना हो। इश्तराकी रूस में भी, बावजूद इसके कि मजहब की तबलीग की इजाजत नहीं, वहां उनके एक रिसाले ने इस बात को तस्लीम किया है कि जमात अहमदिया रूस के इलाकों में भी मौजूद है, अगरचे उनका अपने मरकज से राबता नहीं। तो जब मैं कहता हूं कि हर जगह दुनिया में, तो हकीकतन कहता हूं, इल्म की बिना पर कह रहा हूं, चीन में भी है, रूस में भी है, मशरकी यूरोप में भी है। मशरकी यूरोप में से एक मुल्क के मुतल्लिक एक मुसद्दका इतला ये मिली कि वहाँ इस वक्त खुदा ताला के फजल से जितने मुसलमान हैं उनमें एक भारी अक्सरियत जमात अहमदिया से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों की है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कॉन्टेक्ट पॉइंट वसी हो गया हो तो खिदमत की जरूरत और भी ज्यादा पेश आया करती है, लेकिन ये अमरे वाकया है कि उस वक्त जितना अहमदी मुबल्लिग था और दावत लिल्लाह किया करता था आज उससे कम है। उस वक्त हर अहमदी मुबल्लिग था, हर शख्स दावत लिल्लाह कर रहा था। एक जमींदार खेतों में हल चलाता था तो वो भी तबलीग कर रहा होता था। एक ताजर जब पुड़ियों में सौदा सर्फ लपेट कर तकसीम कर रहा होता था तो उसको तो तबलीग कर रहा होता था। एक हकीम जब दवाइयों की पुड़ियां बनाकर किसी को देता था या डाक में भेजता था पार्सल तो साफ तबलीग कर रहा होता था। कोई अहमदी किसी भी हैसियत का हो, खा वो वकील हो, खा वो डॉक्टर हो, खा वो पेशावर ताजर हो या नजार हो या लोहार हो, हर हैसियत में वो पहले मुबल्लिग था और उसकी दूसरी हैसियत बाद में थी। चुनांचे यही वजह है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लेक्चर लुधियाना में ये बात वाज़े फरमाई कि जहां तक बैतों के आदाद शुमार का ताल्लुक है, हर महीने 2000, 4000, 6000 तक बैतें मौसूल होती हैं। अगर मुबल्लिग नहीं थी तो ये बैतें कहां से आ रही थी? 6000 बैत आम रूटीन के जमाने में, उस जमाने में हर माह वसूल हुआ करती थी, और जिसका मतलब है 72000 बैतें सालाना हो रही थी हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम के जमाने में। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे आते थे जबकि गैर मामूली शान के साथ कोई निशान ताज़ा ताज़ा जाहिर होता था तो अचानक बैतों की रफ्तार में गैर मामूली इजाफा हो जाया करता था। बाज़ औक़ात डाकिया फेरे मारते मारते थक जाता था, एक थैला बैतों का उठा के लाया, फिर वो दूसरा थैला लेने चला जाता था, फिर वो तीसरा थैला लेने चला जाया करता था। तो बरकत थी इस वजह से कि नफूस की कुर्बानी में भी बरकत थी। खुदा ताला की बरकतें हमारी कुर्बानियों की बरकत के साथ एक निस्बत रखती हैं। ये दुरुस्त है कि हमारी कुर्बानियों से सैकड़ों गुना ज्यादा अल्लाह के फजल नाजिल होते हैं, मगर वो निस्बत फिर भी कायम है। अगर 1 और 100 की निस्बत आप कहें तो जब 10 कुर्बानियां करेंगे तो 1000 फजल नाजिल होंगे। ये तो नहीं कि 1 कुर्बानी के बाद 100 और 10 के बाद भी 100 ही रहें। इसलिए फजलों को बढ़ाने की भी तो कोई अदाएं हुआ करती हैं, वो अदाएं अख्तियार करनी पड़ेंगी। इस वक्त तमाम दुनिया में जो ईसाई मुबल्लिग काम कर रहे हैं उनकी तादाद 2,75,000 के करीब है, और ये वो ईसाई मुबल्लिग हैं जो आम पादरी नहीं, जो चर्चों में सिर्फ इबादत की खातिर मुकर्रर होते हैं। ये खालिसतन तबलीगी तंजीमों से वाबस्ता हैं और इनकी जिंदगी का मकसद तबलीग के सिवा और कुछ नहीं। अगर सिर्फ इनकी तनख्वाहों का ही हिसाब आप लगा के देखें और बेशुमार दूसरे खर्च जो एक एक पादरी के साथ लगे हुए हैं, मसलन लिटरेचर की इशात, मुफ्त रुपए दौलतों की तकसीम और सामान मुहैया करना और हर किस्म की लालचें पेश करना और हस्पतालों के जरिए उनकी मदद करना और स्कूलों और कॉलेजों के जरिए उनकी मदद करना, तो ये तो बहुत ही रकम बनती है, इतनी कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सिर्फ तनख्वाहों के हिसाब से ही जो उनके मेयार हैं अरबों रुपया है, अरब हा अरब रुपया जो हर साल खर्च हो रहा है। तो हम बेचारे तो गरीब कौम हैं, हमारे पास सालाना बजट चंद करोड़ में है, और वो सारा रुपया भी अगर हम मुबल्लिगों पर खर्च करें और एक आना भी किसी दूसरी जगह खर्च ना करें तो उनकी तनख्वाहें भी पूरी नहीं होंगी, तब भी हजारों से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। और वो 2,75,000 के लगभग मुख्तलिफ आदाद शुमार देने वाले कुछ फर्क से आदाद शुमार देते हैं, लेकिन जो मैंने जायजा लिया है तकरीबन 2.75 लाख बाकायदा मुबल्लिगीन इस वक्त दुनिया में काम कर रहे हैं। और अगर इसके साथ मॉर्मन चर्च के 50,000 सालाना वाकिफीन जिंदगी को भी शामिल कर लिया जाए तो यह तादाद 3.25 लाख बन जाती है।
अब सवाल यह है कि 3.25 लाख के मुकाबले पर हमारे 100, 200 या 300 मुबल्लिग किस तरह नबरदाजमा हो सकेंगे? उसका इलाज कुरान करीम ने बयान फरमाया है, और कैसा आसान और कैसा पाकीजा इलाज है। फरमाता है कि तुम बुलाओ और अमले साले के तकाजे पूरे करो, और अमले साले के तकाजों में यह बात दाखिल कर दी है कि इंसान नफूस की कुर्बानी भी दे और अम्बाल की कुर्बानी भी दे, बल्कि मुसलमान की शर्त में यह दाखिल कर दिया कि दावत लिल्लाह करने वाला हो। इससे ज्यादा खोल कर और क्या बात की जा सकती थी। गोया ये आयत ये कह रही है कि तुम इस्लाम का दावा करो, बेशक कोई तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन अगर ऐसे इस्लाम का दावा करोगे जो खुदा की नजरों में हसीन इस्लाम है, बल्कि सब हुस्नों से बढ़कर हुस्न रखने वाला इस्लाम है, तो फिर शर्त यह है कि दावत लिल्लाह लाजमी है, पहली शर्त है उसकी, फिर अमल सवाले, फिर इजाजत है कि आप कहो कि हाँ मैं मुसलमान हूं। ना सिर्फ इजाजत है बल्कि फर्ज है कि फिर ये कहो कि मैं मुसलमान हूं। तो उसका इलाज हमें बता दिया, अगर हर अहमदी अपने आप को अव्वल तौर पर मुबल्लिग बना ले और नफ्स की कुर्बानी में सबसे ज्यादा अहमियत दावत लिल्लाह को दे, तो आपके मुबल्लिगों की तादाद सारी दुनिया के ईसाई मुबल्लिगों की तादाद से बढ़ जाती है। बाज़ जगह एक एक मुल्क में आपके मुबल्लिगों की तादाद सारी दुनिया के ईसाई मुबल्लिगों की तादाद से बढ़ जाती है। और यह ख्याल कर लेना कि मुबल्लिग होने के लिए बाकायदा जामिया से पास होना जरूरी है, बड़े बेवकूफों वाला ख्याल है, नादानी है, और अपनी हैसियत को ना पहचानने के नतीजे में इंसान ये बात सोचता है। हमरे वाकया यह है कि हर मुसलमान जो मैदान जहाज में दाखिल होना चाहे उसका सबसे बड़ा हथियार दुआएं हैं। जब अल्लाह की तरफ बुलाता है तो मदद भी तो अल्लाह ही से मांगता है। इया का नाबुदो व इया का नस्तईन रोज 5 वक्त हर रकत में पड़ता है कि हाँ खुदा मैं तेरी इबादत करूंगा, वादा कर चुका हूं, नीयत यही है, लेकिन अब मदद भी फिर मैंने तुझसे मांगनी है, तू मददगार होगा तो हम पदा होंगे। तो दावत अल्लाह का सबसे बड़ा हथियार तो अल्लाह की मदद है और दुआ है। दुआ के जरिए जब एक मुसलमान मैदान जहाज में दाखिल होता है तो सारी दुनिया की ताकतें उसके मुकाबले पर कोई हैसियत नहीं रखती। इसलिए तमाम दुनिया के अहमदियों को मैं इस ऐलान के जरिए मुतनब्बे करता हूं कि अगर वो पहले मुबल्लिग नहीं थे तो आज के बाद उनको लाजमन मुबल्लिग बनना पड़ेगा। इतने वसी तकाजे हैं इस्लाम के कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कितना बड़ा बोझ है जो जमात अहमदिया के कंधों पर डाला गया है। ईसाई दुनिया को मुसलमान बनाना कोई मामूली काम नहीं, लेकिन ईसाई दुनिया के अंदर जो मजीद बिगाड़ पैदा हो चुके हैं वो तो इतने खतरनाक और खौफनाक हैं कि उनकी इसलाह करना ही एक बहुत ही बड़ा अजीम मंसूबा चाहता है, और बे इंतहा ज़हनी और अमली कुव्वतें उसके ऊपर उन पर सर्च करनी पड़ेंगी। हमरे वाकया ये है कि ईसाइयत के नतीजे में इतना गंद फैल चुका है दुनिया में, इस किस्म की रूहानी बीमारियां जड़ें पकड़ चुकी हैं कि बाज़ बीमारियां कैंसर की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। दुआओं के नतीजे में अल्लाह चाहे तो इस्लाह फरमा दे, लेकिन अमलन अगर जहां तक गौर करता है इंसान के बस में उनकी इस्लाह नजर नहीं आती। और जितना दुनिया में दहरियत ने फरूग हासिल किया है इसकी असल जिम्मेदारी ईसाइयत पर आयद होती है। कुरान करीम जो फरमाता है कबरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम इन यकूलूना इल्ला कज़बा, तो इसकी यही वजह है। बाद नादान समझते नहीं, वो समझते हैं कि अल्लाह ताला को क्या तकलीफ है, चलो एक शरीक बना लिया उससे क्या फर्क पड़ता, अपना ही नुकसान किया। खुदा क्यों इतना पीछे पड़ गया है ईसाइयत के, क्यों कहता है बार बार कि 3 खुदा बना लिए और जुल्म हो गया और अंधेर नगरी हो गई? वजह यह है कि अगर आप तजिया करें आज की तारीख का और इंसानी इन्हितात का, तो अक्सर बीमारियों की जिम्मेदारी ईसाइयत पर जाकर
पड़ेगी, आयत होगी, और वो सरचश्मा बनती है आज की सारी बीमारियों का। ये बुनियादी हकीकत है कि अगर नजरिया नामाकूल हो जाए तो उसके नतीजे में बिल आखिर जिस तरफ वो नजरिया बुलाने वाला है उस पर भी यकीन उठ जाता है। चुनाचे ईसाइत ने दहरियत को जन्म दिया है, ईसाइत ने इश्तराकियत को जन्म दिया है, ईसाइत ने बेहियाई की हर तहरीक को जन्म दिया है। और बुनियाद यह है कि ईसाइत का अकीदा इंसानी अकल से टकरा रहा था, काबिल कबूल नहीं था, और खुदा की तरफ बुलाने वाले जब एक नामाकबूल बात की तरफ बुलाने लगे तो खुदा की हस्ती का एतबार उठ जाता है। चुनांचे इस वक्त जो ताजा आदाद व शुमार मुहैया किए गए हैं ईसाई दुनिया के, वो अभी टाइम में उनको शाया हुए थे उनके रिसाले में, वो कहते हैं कि हमने जो वसी जायजा लिया है तो मालूम यह हुआ कि ईसाई कहलाने वालों में से सिर्फ 22% ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि हम खुदा की हस्ती के कायल हैं। बाकी ईसाई कहलाने वालों में खुदा की हस्ती के कायल ही नहीं है, और जो ईसाइयत के कायल हैं उनकी अपनी बीमारियां भी बेशुमार हैं। तो नामाकूल नजरिए के नतीजे में दुनिया दुखों में मुब्तला हो जाती है और अजीमुशान फितने फूटते हैं जिससे इंसान के लिए बड़े वसी तबाही के समान पैदा होते हैं। ये वक्त तो नहीं है इस तजिए का, लेकिन मैं इशारतन आपको बता रहा हूं कि अगर आप गौर करें, तदब्बुर से काम लें, तो आज के जमाने की अक्सर बीमारियां और अक्सर मुसीबतें आपको ईसाइयत से फूटती ही नजर आएंगी। इसलिए ईसाइयत के खिलाफ सबसे ज्यादा जहाद की जरूरत है, और इस जहाद में हर अहमदी को लाजमन शामिल होना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि अगर हर अहमदी इस जहाज में शामिल हो जाए तो हमारी तादाद उनके मुबल्लिगीन से कई गुना बढ़ सकती है। इल्म तबलीग के नतीजे में खुद ब खुद आता है, पहले इल्म हासिल करके तबलीग करना भी अच्छी बात है, लेकिन जिस शख्स को यह तौफीक ना हो, और अक्सर को नहीं होती, उनको इंतजार किए बगैर मैदान में कूदना पड़ेगा। दुआ है असल चीज, क्योंकि मेरा वसी लंबा तजर्बा है तबलीग के काम से मुंसलिक रहा हूं। हकीकत यह है कि कोई भी बड़े से बड़ा आलिम समरावर नहीं होता जब तक बुनियादी तौर पर मुत्तकी और दुआगो ना हो, और बड़े बड़े जाहिल मैंने देखे हैं जिनको दीन के लिहाज से कोई वसी इल्म नहीं था, लेकिन उनकी बात में नेकी और तखवा था, उनकी उम्र दुआओं की आदत थी, बड़े कामयाब मुबल्लिग साबित हुए। इसलिए जो असल हथियार है वो तो हर एक अहमदी को मुहैया है, फिर बाकी चीजों का इंतजार क्यों करता है। हाँ, जब तबलीग के मैदान में वो कूदेंगे तो रफ्ता रफ्ता अल्लाह ताला खुद तरबियत फरमाएगा, उनकी उनके जहनों को जिला बख्शेगा, उनके इल्म को बरकत देगा, और जब एक काम इंसान शुरू करता है तो कानून कुदरत खुद ब खुद उसका इंतजाम करता है कि पहले से बेहतर होता चला जाए। बच्चा चलता है तो फिर दौड़ने भी लगता है, दौड़ता है तो फिर बड़े बड़े अजीमुशान कारनामे सर अंजाम देने लग जाता है। हर वर्जिश के नतीजे में सवाय इसके कि इंसानी ताकत से बढ़कर की जाए, पहले से बढ़कर ताकत पैदा होती। तो जब आप तबलीग के मैदान में जाएंगे तो आपको खुदा ताला खुद सिखाएगा मजमून। और ईसाइयत तो इतनी बोधी है, इतनी बेमानी, इतनी बेहकीकत है, इतना लचर नजरिया है उसका कि किसी एमडी के लिए ईसाइयत के मुकाबले पर किसी तैयारी की क्या जरूरत है। जिसके अकीदे में ईसाई खुदा के बेटे की मौत दाखिल हो गई हो, जिसको घुटी के में ये पिलाया गया हो, ये खिलाया गया हो ये अकीदा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पौत हो चुके, जिसको मां ने दूध में ये बात पिलाई हो कि कोई फानी इंसान दुनिया में कभी अबदी जिंदगी नहीं पा सकता, सिर्फ एक खुदा है जो अबदी जिंदगी पाने वाला है, तमाम अंबिया फौत हो चुके हैं, उसको ईसाइयत के सामने जाने से क्या आ रहा हो सकती है, उसको क्या तरद्दुद पैदा हो सकता है।
अमरे वाकया यह है कि ईसाई भागते हैं, और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा है और अपने अपनी सदाकत के सबूत में यह बात गैरों के सामने पेश फरमाई है कि देखो खुदा तआला ने मुझे कसरे सलीब के लिए भेजा था, और इसका सबूत ये देख लो कि एक आम अहमदी जो मेरी तरफ मंसूब होता है, जब वो ईसाई पादरियों के सामने जाता है तो उनको जब पता लगता है कि ये अहमदी है तो वो खुद खुद भाग जाती है, मजीद किसी बात की जरूरत ही नहीं रहती। हमने बचपन में तजर्बा करके खुद देखा है कि बावजूद इसके कि हम मामूली बच्चे थे और इल्म के लिहाज से भी अमलन कोरे थे, फिर भी बाद ईसाई पादरी हमारे मुकाबल पर आने से कतरा गए और मजरत की। मुझे याद है एक दफा डलहौजी में एक चर्च में हम चले गए, उस वक्त स्कूलों में पढ़ते थे, और वहां एक देसी पादरी साहब थे, उनसे गुफ्तगू शुरू कर दी। कुछ देर के बाद उनका पादरी जो किसी यूरोपियन था, मुझे पता नहीं किस कौम से ताल्लुक रखता था लेकिन यूरोपियन था, उसने जब आवाज सुनी हमारी बातों की तो वो आया और सुनने लगा कुछ देर, और उसको बातों से अंदाजा हो गया कि हम अहमदी हैं। तो आगे बढ़ के उसने पूछा कि बच्चों तुम कौन हो, तुम अहमदिया जमात से ताल्लुक रखते हो? हमने कहा हम अहमदी। उन्होंने कहा अच्छा फिर तुमसे हमें बात करने की इजाजत नहीं है, छुट्टी। सिर्फ ये कह के हमें रुख्सत कर दिया। तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो दावा फरमाया था उसको तो अहमदी बच्चों ने भी सच्चा होता देखा है अपनी आंखों के सामने। इसलिए बालिग नजर अहमदी जो दुनिया की तालीम से भी मुजयन है, सारी दुनिया में फैले पड़े हैं, उनके लिए कौन सा खतरा है ईसाइयत के सामने जाने में? वो पहले से ही हथियारबंद हैं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्मे कलाम ने एक ऐसी आम रोशनी पैदा कर दी है अहमदी जहन में, ऐसी जिला पैदा फरमा दी है कि जिसने ईसाइयत का मुतालिया ना भी किया हो वो भी ईसाई पादरियों से टक्कर लेने का हल है। इसलिए किसी इंतजार की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जहनी तब्दीली की जरूरत है। आज के बाद अहमदी अगर ये सोच ले जिस मुल्क में जहां भी है कि मैं दुनिया कमाऊंगा लाजिमन, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है, और दीन की खातिर कुछ पेश करने के लिए भी मुझे दुनिया कमानी चाहिए, लेकिन मेरे माल कमाने का मकसद भी अल्लाह ताला की तरफ दावत देना होगा, और मेरी जिंदगी के हर लम्हे का जवाब जिंदा रहने का इस बात में होगा कि मैं खुदा की खातिर जीता हूं और खुदा की तरफ बुलाने के लिए जीता हूं। इस अहद के साथ जब वो काम शुरू करेगा तो आप देखें अल्लाह ताला के फजल के साथ दुनिया में किस कसरत के साथ, तेजी के साथ वो इनकलाब पैदा होना शुरू हो जाएगा जिसकी हम तमन्नाएं लिए बैठे हैं। अमरे वाकया ये है कि ये इनकलाब आपकी राह देख रहा है, आपके खुलूस की राह देख रहा है, आपकी नीयतों की राह देख रहा है, आपके कल्बे कल्ब के अज़्म सनीम की राह देख रहा है। इन चीजों के बगैर जब इस इनकलाब के पीछे आप जाते हैं तो ये इनकलाब आपसे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ आपसे दूर भाग रहा होता है। आज अगर दुनिया का हर अहमदी यज़्म कर ले कि मैंने अपने नफ्स की कुर्बानी दाई अल्लाह के रंग में खुदा के हजूर पेश करनी है और खुदा की तरफ बुलाना है, तो वो इनकलाब जो हमसे दूर भागता हुआ नजर आ रहा है आप देखेंगे कि वो ठहर गया है एक मुकाम पर, फिर वो पलटा है, फिर वो आपके से ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ आपकी तरफ झपटता हुआ नजर आएगा। कोई नहीं कह सकेगा कि हम इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं कि इनकलाब हमारी तरफ बढ़ रहा है। उस वक्त कैफियत यह हो जाएगी कि जैसे मां देर के बाद बिछड़े हुए बच्चे को देखती है और बच्चा देर के बाद बिछड़ी हुई मां को देखता है, कोई नहीं कह सकता कि कौन किसकी तरफ ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ झपटा था। एक बेख्तियार चीख दिल से निकलती है और दोनों एक दूसरे की तरफ लपकते हैं। अगर अहमदी अपने दिल में अज़्म सलीम कर ले कि मैं खुदा की खातिर जिंदा हूं और खुदा की खातिर जिंदा रहूंगा और खुदा की तरफ बुलाऊंगा, तो फिर आप देखेंगे कि वो अजीम शान इनकलाब जो हमने दुनिया में बर्पा करना है वो हमसे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ मोहब्बत और इश्क के साथ हमारी तरफ झपटेगा और हमसे दूर जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये अज़्म करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जमाना बड़ी तेजी के साथ हलाकतों की तरफ बढ़ रहा है। उसके कदम रोकने हैं तो हमने रोकने हैं, उसे दोबारा निजात अता करनी है तो हमने अता करनी है।
उसे खुदा के कदमों में हाजिर करना है तो हमने हाजिर करना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله। اس اعلان کے ختمے کے طور پر یہ بات بھی میں احباب کے سامنے کھول کر رکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دعاؤں کے خط لکھتے ہیں وہ اگر اس بات کا ذکر بھی ان خطوں میں کر دیا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے داعی اللہ بن چکے ہیں اور انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے تو اس خط کے ساتھ میرے لیے یہ بہترین نذرانہ ہوگا۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ نذرانے کا فلسفہ یہ ہے کہ دل میں بے اختیار محبت کے ساتھ کسی کے ساتھ تعلق کے ساتھ دعا پیدا ہو، اور جتنا تعلق بڑھے اتنی دعا دل میں سے زیادہ اٹھتی ہے۔ تو جہاں تک میرے دل کا تعلق ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے زیادہ پیارا، اس سے زیادہ عزیز نذرانہ مجھے کوئی نہیں ہوگا کہ کوئی احمدی مجھے دعا کے ساتھ یہ لکھے، خواہ وہ احمدی مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو، کہ میں ان لوگوں میں داخل ہو گیا ہوں خدا کے فضل کے ساتھ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جن کا عمل صالح ہے، اور جو اعلان کرتے ہیں خدا کے اس فرمان کے مطابق کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب یہ بات ساتھ لکھی ہوئی ملے گی اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بعد میں بیتیں بھی آنی شروع ہوں گی، تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح میرے دل سے دعائیں پھوٹ پھوٹ کر نکلیں گی، اور میرے دل سے نہیں، ہر احمدی کے دل سے وہ دعائیں پھوٹ پھوٹ کر نکلیں گی ان لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نذرانے دینے والا بنا دے اور مجھے ایسے نذرانے قبول کر کے ان کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله